नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के, उससे पहले नजर डालते हैं किसान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पर। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराजपुर थाना क्षेत्र में पहुंचे सैकड़ों किसान। कानपुर के रास्ते दिल्ली जाने की तैयारी में है किसान। नवनिर्माण किसान संगठन के किसान भी शामिल। आंदोलनरत किसानों को प्रशासन ने आगे जाने से रोका। काफी बड़ी संख्या में दिल्ली में झंडा रोहण की तैयारी में है किसान। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराजपुर थाना क्षेत्र में पहुंचे सैकड़ों किसान। कानपुर के रास्ते दिल्ली जाने की तैयारी में है किसान। नवनिर्माण किसान संगठन के किसान भी हैं शामिल। आंदोलनरत किसानों को प्रशासन ने आगे जाने से रोका। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मालूम हो कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए झंडारोहण करने की तैयारी में, इसी क्रम में कानपुर के रास्ते किसानों को रोका गया है। बता दें कि नवनिर्माण किसान संगठन के किसान भी शामिल हैं। वहीं आंदोलनरत किसानों को पुलिस ने रोका है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की तैयारी में किसानों को कानपुर के रास्ते दिल्ली जाने से रोका गया है। मालूम हो कि लगातार किसान बिल को लेकर किसानों आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में है। इसी क्रम में कानपुर से किसान लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं दिल्ली, जिसे पुलिस ने रोका है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रिजवान। तो रिजवान जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? किसान पहुंचे रघु वीर कॉलेज के पास, जहां पर पुलिस बल्ले को रोकने की कोशिश की, मगर लगातार वो किसान आंदोलन में जाने के तैयार बैठे हुए। तो किस जगह पर किसानों को रोका है पुलिस प्रशासन ने? मैम, ये बताया जा रहा है गाँव रघुवीर इंटर कॉलेज है, महाराजपुर थाना क्षेत्र में लगता है, रघुवीर इंटर कॉलेज के पास। हेलो जी, आपके आवाज आ रही है, बताइए। रघुवीर इंटर कॉलेज के पास थाना महाराजपुर क्षेत्र में रोका हुआ है, जहां पर किसानों का आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा है और दिल्ली जाने को लेकर काफी तैयारियां मौजूद थी, जिसमें से नवनिर्माण संगठन के लोग बताए जा रहे हैं, किसान संगठन बताए जा रहे हैं। पुलिस ने किसानों की गिरफ्तारी भी की है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस बल पहुंचकर समझाने के प्रयास कर रहे हैं, कितनी हद तक किसान मानने को तैयार नहीं है जी। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट लेते हैं इस खबर पर जी। तो कानपुर के रास्ते दिल्ली जाने से किसानों को रोका गया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दूसरी बार कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई गई है। कार्गो टर्मिनल से अधिकारियों के मौजूदगी में वैक्सीन की जांच पड़ताल करने के बाद कड़ी सुरक्षा के साथ वैक्सीन को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि 1,75,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन खेप को एयरपोर्ट पर लाया गया है। तो खबर वाराणसी से है, जहां अधिकारियों की मौजूदगी में एयरपोर्ट पर भारी संख्या में कोरोना वैक्सीन को पहुंचाया गया है। बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बता दें कोरोना वैक्सीन को दूसरी बार एयरपोर्ट पर लाया गया है।
हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर को लेकर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। वहीं शोभा यात्रा में मौजूद लोगों ने राम निर्माण के लिए राशि जमा करने के सबसे अपील की है। तो ये खबर फर्रुखाबाद से हम आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है राम मंदिर निर्माण को लेकर। बता दें कि ये रैली निकाली गई है, इसमें हिंदू महासभा के काफी कार्यकर्ता मौजूद हैं। कन्नौज में शहीद की मूर्ति का अनावरण करने सांसद साक्षी महाराज पहुंचे। वहीं इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने जनसंख्या कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए उस बहाने से और भी शहीदों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जनता का दोषन किया, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें, अपने बच्चों से ऐसा कहने का मैंने भरसक प्रयास किया। सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर काबू कानून कब बनाएगी, कब तक आएगा ये कानून? कम से कम एक तिहाई सांसदों ने सरकार को लिख के दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंगित किया है, मनसा भी है, कई चैनल वाले भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि देश की स्थिति को देखते हुए जमीन थोड़ी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो सरकार को यथाशीघ्र एक कड़ा कानून लाना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। गोरखपुर के मोदीपुर स्थित प्राचीन गुरुद्वारे में आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की 354वीं जयंती को प्रकाश उत्सव के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर ब्लड डोनेट का भी कार्यक्रम किया गया। वहीं प्रकाश उत्सव के समाप्ति पर गुरु के अटूट लंगर का आयोजन किया गया था और रात्रि तक कीर्तन दरबार में बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लोगों ने ब्लड डोनेट कर लोगों को जीवन देने का संकल्प लिया है। बता दें कि कल प्रकाश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया है। ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किया गया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भवलेओ। आज का जो ये प्रोग्राम है, दसवें गुरु धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें महान पावन प्रकाश पर्व की खुशी में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर के तत्वाधान में आप सभी नगरवासियों के अपार सहयोग से बड़े ही धूमधाम एवं श्रद्धा पूरे ढंग से। सुल्तानपुर के हिमांशु प्रताप सिंह हत्याकांड का एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। बता दें ये खबर सुल्तानपुर से है, जहां हिमांशु हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हिमांशु हत्याकांड में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जी हां, हिमांशु हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि 3 दिसंबर को पीडब्ल्यूडी के रहने वाले हिमांशु प्रताप सिंह की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। आज कोतवाली क्षेत्र में एक 25,000 का इनामी अभियुक्त मोहम्मद सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, जो वर्ष 2020 के एक जघन्य हत्याकांड का वांछित अभियुक्त था। इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है। ये इसके जो अन्य साथी हैं पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और विवेचना के दौरान अन्य तथ्य पाए जाने पर सुसंगत धाराओं में इनका। आजमगढ़ में दिव्यांगों ने पुलिस विभिन्न
मांगों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दिव्यांग कल्याण समिति के प्रबंधक राजेश सिंह ने मीडिया को बताया कि आजमगढ़ में दिव्यांगों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है, इन्हें इनका हक नहीं मिल पा रहा है। वही उन्होंने ये भी बताया कि दिव्यांगों को समय से पेंशन भी नहीं मिलती है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं एसडीएम सदर ने बताया कि दिव्यांग जनों को भी जो मांग है वह नीतिगत मांगे हैं, जिनको ऊपर तक पहुंचाने का भरोसा दिया गया है। देखिए, इसमें जो ये मांग इनकी देखी गई है, जो यहाँ दिव्यांगजन को लेकर ये लोग आए हैं, इनकी जितनी भी मांगे हैं सभी नीतिगत मांगे हैं, सभी पॉलिसी मैटर्स है। चाहे वो दिव्यांगजनों को मुफ्त बिजली प्रोवाइड कराना हो, आवासों में उन्हें वरीयता दी जानी हो, सभी पॉलिसी मैटर्स हैं। इन पर निर्णय जो है वो शासन स्तर पर लिया जाना है। मेरा इनसे यही अनुरोध है कि ये अपना मांग पत्र हमें सौंप दें, हम उचित माध्यम से इनका मांग पत्र शासन को पहुंचा देंगे, ताकि इनके जितने भी ग्रीवांस हैं उनका सिस्टमिक रूप से एड्रेसल किया जा सके, और यहाँ पर इस प्रकार शांति व्यवस्था भंग करने से किसी का भी जो है समाधान नहीं हो पाएगा। जुड़ रहे हैं संवाददाता राकेश जी, क्या कुछ मामला सामने आ रहा है इस खबर को लेकर? आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार के सामने एक अंबेडकर पार्क है, जहां काफी संख्या में दिव्यांग लोग आए हुए अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। प्रशासन की आखिर कहां पर लापरवाही सामने आ रही है, जो दिव्यांगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और उनको जो पेंशन वगैरह वो नहीं मिल पा रही है? जैसा आप क्या करो बता चले कि इन लोगों की जो सात सूत्रों की मांग थी, जिसके आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में इन लोगों की बैठक हुई है, जिसमें काफी संख्या में दिव्यांगजन आए हुए हैं। इनको पेंशन को लेके, प्रधानमंत्री आवास को लेके, और पेंशन जो कम मिलता था उनको बढ़ोतरी के लेके उन्होंने मांग की हुई है। सरकार ने लगातार कई नियम बना रखे हैं, ऐसी पॉलिसीज बना रखी हैं पेंशन को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पेंशन नहीं मिल पा रही है दिव्यांगों, और वो लगातार ऐसा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जिसमें एक दिव्यांगों के लिए भी बनाया गया था, जिसमें आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में जब सूचना मिली अधिकारियों को कि अभी एसडीएम सदर कुछ देर पहले आए थे, इनकी समस्या सुनी, और जिसको इसमें पेंशन को लेकर है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर है, और पेंशन को बढ़ोतरी लेके है, और उपकरण जो उनके पास नहीं है चलने के फिरने के लिए, उसके लिए भी उन्होंने इंतजाम करने की बात कही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर के बाबूपुरवा पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के बाद सीओ बाबूपुरवा आलोक सिंह ने प्रेसवार्ता कर आरोपी के बारे में बताया कि चोर के पास से 6 चोरी की बाइक बरामद की गई है। चोर बाइक को गिरवी रखकर पैसे लेता था और फिर उन पैसों से जुआ खेलता था। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम अनुराग कुशवाहा है। उससे जब पूछताछ की गई तो वो चोरी के मोटरसाइकिल चोरी करता है और मोटरसाइकिल को अपने गांव लेकर जाता है और वहां पर किसी व्यक्ति को गिरवी रख देता है, उसके एवज में पैसे लेता है। उसने अभी तक कुल 6 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, जिनमें 3 थाना केतबीनगर क्षेत्र की, 1 थाना बर्रा की, 1 थाना चकेरी की एवं प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लुटेरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से पुलिस ने ज्वेलरी, पिस्टल, अवैध तमंचा और कई चीजें बरामद की हैं। वहीं एडीजी प्रेम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। आज रात्रि में कुछ बदमाशों के आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सीओ सिटी प्रभारी निरीक्षक के द्वारा इसमें टीम को मोबिलाइज किया गया और रामलीला मैदान के पास इस तरह का गैंग देखा गया, जहां वो इकट्ठे थे उनको ललकारा गया, सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के गोली लगी है, जिनको वहाँ चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और जिला चिकित्सालय भेजा गया। 4 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है और इन सभी के कब्जे से ज्वेलरी बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये है।
3 अवैध असले और एमुनिशन उसके साथ बरामद हुआ है, एक मोबाइल जो लूट की घटना के दौरान ले जाया गया था उस मोबाइल को भी रिकवर कर लिया गया है। इसमें जो व्हीकल्स इस्तेमाल हुए थे क्रेटा गाड़ी और जो बाइक इस्तेमाल हुई थी उनको भी बरामद किया गया है। अभी हमारे टीमें कई अन्य जनपदों में और प्रदेशों में गई हुई हैं, जल्दी ही जो शेष अभियुक्त है उनकी भी। अमरोहा के पौश इलाके में बदमाशों ने एक गोदाम पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने गोदाम से 12 लाख रुपए की एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन चोरी करके फरार हो गए। साथ ही शातिर चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में तकिया मोती शाह में एक जीतू गुप्ता जी के मकान में चोरी हुई है, जिसमें उन्होंने अपना हेवल्स का गोदाम बनाया हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया उसमें कई सारी चीज़ें संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। पास में ही एक और मोटर चोरी जाना बताया गया है, लेकिन जो चोरी की घटना है इसको पंजीकृत कराया। गोरखपुर में बदमाशों ने फर्जी पुलिस की धौंस जमाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। असलहे के दम पर सर्राफा कारोबारियों से लाखों की नकदी और सोना लूटकर 3 बदमाश फरार हो गए। वारदात के दौरान शातिर बदमाश पुलिस को वर्दी में थे, वहीं इसको लेकर सीसीटीवी के जरिए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ लोग से आ रहे थे बस में लखनऊ जाने के लिए, गोरखपुर बस में बैठे, तब तक जब बस में बैठे तो 3 लोग पुलिस वाले की वर्दी में 3 लोग आए, तो तीनों ने कहा कि भाई नीचे उतरिए। तो तीनों में कौन कौन किस पद पे था कुछ मालूम चल पाया? एक एसआई का वर्दी में था और 2 लोग पुलिस की वर्दी में थे, और 2 लोग मास्क पहने हुए थे, एक कमरा खुला हुआ था। तो कह रहा कोतवाली चलिए, बोले बोला कि नीचे उतरे चेकिंग करना है, बोले ठीक है नीचे उतरे चेकिंग करना है। तो बताया पूछा क्या बैग में क्या है, बोले बैग में मतलब मेरे पास इतना कैश है और थोड़ा पुराना सोना है। तो बोला कि ठीक है कोतवाली चलिए आप, तो बोले ठीक है चलिए कोतवाली। कोतवाली की जगह ऑटो बैठा के नौसर लेके जाने लगा, फिर उसे बस किए कोतवाली पास ही में, नौसर जाने की क्या जरूरत है। तो कह रहा है कि नहीं हम नौसर चौकी के इंचार्ज हैं और वहीं पे चलो वहीं पे। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।